साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था संगम के तत्वाधान में शनिवार को एक निजी होटल में कवि बागेश्वरी मिश्र वागीश द्वारा रचित काव्य पुस्तक बहका हूँ बार बार का विमोचन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामदेव शुक्ल द्वारा किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर अनंत मिश्र, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल राय सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए काव्य पुस्तक के लेखक कवि वागेश्वरी मिश्र वागीश ने बताया। ये बहका हूँ बार बार मेरे वास्तविक जीवन और समाज के प्रतिबिंबों का चित्रण है, जो मैंने अपने बचपन से लेके अभी तक जितनी भी मेरा अनुभव है उसको इस पे मैंने उकेरने की कोशिश की है। विभिन्न सामाजिक समस्याओं, देश हित के बारे में, बच्चों के बारे में, आजकल के प्रचलित मधुमेह, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों के बारे में भी, जिसकी वजह से ये समाज बहुत चिंतित है, इसके दूरगामी प्रभाव होने वाले हैं, उनके बारे में भी मैंने अपने समझ के अनुसार उनके बारे में प्रिकॉशन, उनकी दवाएं कैसे ठीक हो सकते हैं, क्या स्थिति है, इस बारे में विस्तृत हमने चित्रण किया है। हास्य व्यंग के जहाँ पे आजकल समाज का बर्ताव, परिवार का बर्ताव, आपसी संबंध किस तरह से बिखर रहे हैं, इसके बारे में भी हमने चित्रण किया हुआ है। प्रकृति चित्रण भी हमने इसमें दिया हुआ है। विभिन्न सामाजिक समारोहों और उत्सवों जैसे दिवाली, होली आदि के बारे में भी हमने चित्रण किया हुआ है। इसके अलावा समाज के बिखरते हुए पारिवारिक संदर्भ के बारे में भी हमने विस्तृत विवरण दिया है। सरहद पे हमारे जवानों के बारे में जो कठिनाइयां हैं, जो चिंताएं हैं, उनसे भी मैंने समाज को अवगत कराने की कोशिश की है। और हमारा विश्वास है कि इसके गीत और गज़ल जो भी हैं वो वास्तविक हैं और सबके हृदय को छूने वाले हैं, और बहुत ही जल्दी ये समाज में स्थापित हो जाएंगे और बच्चों के, समाज के, लोगों के काम आएंगे। यही हमारी शुभकामना है।